7 जून को कस्बा बहोरी आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी विकास कुमार सहवाल ने प्रशासनिक अमले के साथ कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। रायसेन जिले के कस्बा बहोरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आगामी 7 जून को एक दिवसीय दौरे पर कस्बा बहोरी में प्रस्तावक आगमन है। यहां वे लाडली बहना एवं महिला सम्मेलन आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रायसेन जिला कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल ने प्रशासनिक अमले के साथ कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड ग्राउंड का निरीक्षण कर व्यापक तैयारियों पर चर्चा की और उन्होंने प्रस्तावक कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जनपद अध्यक्ष ठाकुर तरुबर सिंह राजपूत, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू भदौरिया, एसडीएम रवि श्रीवास्तव, एसडीओपी राजेश तिवारी, सिलवानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलम रेकवार, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष आशीष सोनी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि मदन गोपाल वर्मा, पंकज आचार्य, लक्ष्मण लोधी, मलखान पटेल, मिथुन लोधी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का 7 तारीख का कस्बा बहोरी में दौरा है, इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? 7 तारीख को यहाँ पर महिला सम्मेलन आयोजित है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं कस्बा बहोरी में, और उनके आगमन में और उनके प्रोटोकॉल के संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं की जानी हैं वो सब की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। हम हैं एसपी साहब में सीओ जिला पंचायत हैं, यहाँ पर हमारे जनपद पंचायत के माननीय अध्यक्ष तरबर सिंह जी हैं और पूरी टीम यहाँ पर लगातार आ रही है और जैसी शासन की मंशा है उसके हिसाब से अच्छे से अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा और बड़ी संख्या में लोग आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। सर, कल जो मीटिंग आयोजित की गई थी कार्यक्रम के दौरे को लेकर, उसमें सर ग्रामवासियों की तरफ से, नगरवासियों की तरफ से क्या सुझाव आए सर? जो मीटिंग थी उसमें काफ़ी संख्या में लोग थे, क्योंकि जनसेवा अभियान यहाँ पे पूरे प्रदेश की भांति चल रहा है, तो जो भी आवेदन लोगों के आए हुए हैं उनका निराकरण किया जा चुका है। इसके अलावा भी लोगों से अनुरोध किया गया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हमको बताएं, लगातार हमारी टीम यहाँ पर रहेगी और न केवल सिलवानी में बल्कि पूरे ज़िले में भी हम लोगों के जो जनसेवा अभियान के कार्यक्रम हैं वो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन और उसके बाद तक जारी रहेंगे। तो जो भी सुझाव और शिकायतें और समस्याएँ आ रही हैं उनका निराकरण हम लोग कर रहे हैं।